राज्यसभा में इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ का दौर चल रहा है। उनके पुराने साथी दिग्विजय सिंह तो उनकी तारीफ कर ही चुके हैं, अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में सिंधिया की तारीफ की है। हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहाँ होती है जी। और इसलिए लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को। सिंधिया की तारीफ पर कांग्रेस ने चुटकी ली है कि वहां सिंधिया की तारीफ हो रही थी और इधर सीएम शिवराज का टेंशन बढ़ रहा था।